ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अबे क्या हो गया, सुबह ही सुबह तुम लोग आ गए हो। जानी रात को तूने सही हरकत नहीं करी, शराफत से हमारे पैसे वापस कर। वाह, शर्तें तुम लोग खुद लगाते हो, और अब क्या मैं बेईमानी कर रहा हूँ। अबे यार तूने चीटिंग की है, तू आउट हो गया था, साफ रन आउट हुआ था। देख भाई डाइट मैच में कुछ भी हो सकता है, अंपायर कभी भी बेईमानी कर सकता है। अबे वही तो हम भी कह रहे हैं, चल रहा हमारे पैसे निकाल। अबे वो तो मैंने खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? बस यूं समझ किसी गरीब को दे दिए मैंने। कैसी मदद? अरे यही कोई पांच छह पतलूने, तीन चार शर्टें, दो चार घड़ियां और जॉगर्स, बस पूरे 10,000 का खर्चा किया। ये बता कहाँ खर्च किए? खुद पे। अबे तू तो कह रहा था किसी गरीब की मदद की है मैंने। अबे मैं तुझे गरीब नहीं दिख रहा, पूरे 5 साल हो गए पूरी पैंट नहीं पहनी, आधी पैंट में घूम रहा हूँ। बेवकूफ मत बना, ये फैशन है। अबे ये फैशन नहीं, टेंशन है, सर्दियों में पहन लो तो डायरेक्ट ऑपरेशन है। अच्छा बातें मत बना, चल रहा हमारे पैसे निकाल। ऐसे कैसे निकाल? ठीक है पप्पू, फिर निकाल सामान। एक मिनट क्या हुआ? एक मिनट ये सर चेक कर, दरवाजे के नीचे कुछ अड़ रही है, इधर इधर क्या हो रहा है? देख देखना थोड़ा, ये चेक कर, ये इधर से इधर, ये देख, ये देख। ओ जानी दरवाजा खोल, क्या हो गया पागल है, हमारे पैसे दे यार। जानी दरवाजा खोलो, जानी पैसे दो हमारे। नहीं यार ये तो निकल गया। आने दो अदा बच्चू को, बहुत बर्दाश्त कर लिए, तुम्हारी शिकायत करूंगी उससे मैं। तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो, चली क्यों नहीं जाती इस घर से? हाँ चली जाओ ताकि तेरे को फुल आजादी मिल जाए। वो तो हमें 14 अगस्त को ही मिल गई थी। अरे मैं 14 फरवरी की आजादी वाली बात कर रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी, वैलेंटाइन डे को नहीं मनाती मैं सिर्फ संडे मनाती हूँ, वो भी सो कर। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, वरना वरना क्या कर लोगी? बताऊँ क्या कर लूंगी, बताऊँ तेरे को मैं? अरे बाबा सीमा बाबा मेरी बात तो सुनो बाबा। क्या हो गया बच्चू, इतना घबराए हुए क्यों है? अरे बाबा वो कमरे में छिपकली का बच्चा घुस आया है। तो किसमें डरने वाली क्या बात है, छिपकली का बच्चा ही है ना। अरे बाबा मैं डरता नहीं हूँ, मुझे घिन आती है। अरे अदा ज्यादा झूठ मत बोलो, जो डरता है ना वो यही कहता है कि मुझे घिन आती है। अरे बाबा क्या कर दिया तेरा दा, शेर से नहीं डरता है? एक दफा का जिक्र है, मैं जंगल में से जा रहा था, फिर मैं शेर के ऊपर बैठ गया। अच्छा भला फिर? बाबा फिर क्या, जैसे ही मैं शेर के ऊपर बैठा हूँ, इधर पुलिस, इधर अवाम, इधर प्रेस वाले, सब ने मिल के मुझे समझाया। क्या? कि बाबा उतर जाओ, पीतल का शेर है। बस करो बच्चू, इतनी मत छोड़ो कि लपेटी ना जाए। अरे बाबा क्या बात करती हो सीमा, मैं खड़ा हो जाऊँ ना सामने तो हाथी भी हट जाता है रास्ते में से। हाँ हाथी को भला बाद में हटाना, ये तुम्हारी कमीज पे जो चुपकली का बच्चा है इसको तो हटा लो पहले। अरे बाबा किधर है, किधर है बाबा, किधर? अरे बाबा किधर है चुपकली का बच्चा? जाती नहीं इस घर से। अरे भाई चेक रोकेंगे तो फिर सप्लाई भी रुक जाएगी, बस आप चेक देते रहे और सप्लाई फिर देखें। अच्छा अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मर गया अमित सुम्मा, क्या बोल रहा जे? लेकिन सेठ साहब ये क्या हुआ, हुआ क्या है? मोटरसाइकिल वाला मार गया वो अमित, चाक पे बड़ा ही जाहिल था, किसी और जगह मार देता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सर पे मार देता, टांग तो बच जाती ना। टांग तो बच जाता, फिर मैं नहीं बचता ना जी। आपकी खैर है, टांग तो बच जाती ना। तो खाली टांग की काम आती, कहीं अड़ाने के काम तो आएगी ना। सेठ साहब आप कब आए? अभी आई मेरी टांग। ओए अरे अब आपकी टांग को क्या हुआ? टांग टूट गया। अच्छा भला एक या दोनों? एक। ओहो हो
बहुत अफसोस हुआ। अच्छा भला फिर एक काम करें। क्या करें ना? ऐसे करो कि दूसरी टांग भी तोड़ दो। बाबा देखो दोनों बराबर उजड़ने, इस तरह तो बिल्कुल बुरी लग रही है ना। फजूल बातें बातें करने का। सीमा सीमा किधर है? जोर बात है, जोर बात है। सीमा! अरे टांग में मसला हो जाएगा। मैं बुलाता हूँ। अभी ठीक नहीं, अब ठीक नहीं। सेठ साहब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? गैप आता, थोड़ा बीच में गैप आता है। रास्ते में जाते ठोकर लगी या गटर में तो नहीं गिर गए थे? ये क्या बोले था जी? गटर में गिरा रहा मेरे को। बच्चू मजाक नहीं कर रही, पापा को वाकई बहुत सीरियस लगी है। हाँ पापा, मेरे ख्याल में उनका ना पंचर हो गया है। पंचर नहीं, फ्रैक्चर। हाँ पापा, वही हुआ है, आपका वाला, आपका वाला। मुझे लगता है पापा को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे बाबा, ये काम डॉक्टर का नहीं है। तो बाबा, ये काम जरा करता है। जरा? वो क्या होता है? अरे बाबा, पहले के जमाने में ना जरा आता था, हड्डी जोड़ के चला जाता था। आज के जमाने में उसको पहलवान कहते हैं। लेकिन पहलवान तो हड्डी तोड़ता है। बाबा, जो तोड़ना जानता है वो जोड़ना भी जानता है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर किसी पहलवान को ही बुला ले। हाँ बाबा, मैंने कह दिया जानी को, बस वो लाता ही होगा पहलवान। बच्चू भाई, मैंने कह दिया है, पहलवान आएगा ना, देख के तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अच्छा बाबा, मेरी तरह का ला रहा है क्या? अच्छा बोला है मैंने? अरे बाबा बकवास मत करो, ये बताओ फोन कर दिया है ना उसे? हाँ हाँ, मैंने कर दिया, किसी टाइम पे भी आने वाला है। देख लो जानी, कहीं पहलवान आके कुछ उल्टा ना कर दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टांग अलग हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो जानी, टांग अलग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अरे बाबा, परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा बाबा, उसकी टांग को जो हम फ्रीजर में रख देंगे, खराब भी नहीं होगी। क्या? मेरा मतलब है, वो सुपर स्टोर वाले भी तो यही करते हैं ना जानी। बच्चू भाई, सेठ साहब की टांग है, बकरे की रान थोड़ी है। अरे चुप करो तुम दोनों, जाओ जानी जल्दी से जाके पहलवान को बुला। हाँ बाबा जाओ जाओ, मैं अभी चेक करता हूँ। पहलवान को ही लाना है बाबा। आप कौन जी? पांच साल अंदर स्नान में आया हूँ, चड्डा पहलवान। चड्डा पहलवान? बाबा हम कोई चड्डिया नहीं बेचते। ओ जी, मैं कोई चड्डे छड्डे खरीदने नहीं आया, मेरा नाम है जी चड्डा पहलवान बकला, मैं खुद, मुझे जी जानी ने बुलाया इधर। क्यों बोला, आपका क्या उसका कुश्ती का मुकाबला है? अब ये तो जी जानी को पता होगा ना, आप जानी को बुलाए, पूछे उसे को। जाने, ओ जाने। आ गया। हाँ जरीना बोलो। जानी तुमसे मिलने के लिए आया। कौन है? दिखने में तो इंसान ही लग रहा है, वैसे डिस्कवरी वाले भी बहुत तेज है। वो क्यों? अरे भाई, ऐसी ऐसी चीजें दिखा देती है जो बंदे ने कभी देखी भी ना हो। ओ भाई, क्या बकवास है ये। अच्छा एक बात बताएं, आप खुशकी वाले हैं या पानी वाले? ओ बहुत हो गई जी, मैं कसम मार देनी है तेरे को। अरे क्या हो गया जाने, ये चड्डा पहलवान है। चड्डा पहलवान? अरे सर माफ करना, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। ओ जी शुक्र जी, पहचान लिया आपने। अब बताओ जी, क्यों बुलाया मुझे? अरे हमारे सेठ साहब ने उनकी हड्डी बिठानी है। लो हड्डी क्या जी, मैं तो सेठ साहब को बिठा देना है। अरे नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं, आप चले चले। बहुत दर्द है। मुझे लगता है इनकी ना टांग की फिटिंग ठीक नहीं है। क्यों चढ़ा साहब? ओ भाई देखो, मैं दबा रहा हूँ टांग, आवाज आ रही है गले से, ऐ तो सही गल नहीं है ना। अरे चड्डा साहब, आप क्या चाहते हैं, गला दबाएं और आवाज टांग से निकले? अब समझ आई ना बात है भाई, टांग दबाऊंगा तो पता चलेगा ना कि हड्डी किधर किधर से टूटी हुई है। अरे बाबा मैं बताती हूँ, इनके घुटने की हड्डी टूटी है। तुम्हें कैसे पता, तुमने तोड़ी हड्डी? चुप रहो। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है जी, टांग ना दुकान पे ले जानी पड़ेगी। दुकान पर? अबे भाई टांग है, जूसर मशीन थोड़ी, जो दुकान पे ले जाओ। अच्छा चड्डा साहब एक बात बताएं, टांग दुकान पे ले आएंगे, बाकी सेठ साहब? ओ जी सेठ साहब ने इतने रहना है, सेठ साहब ने कितने जाना है जी। ओके चंगी सी फिल्म शिम ला देना, दिल लगा रहेगा इनका। ये मेरा असली टांग है, लकड़ी का टांग नहीं, ये निकाल लेंगे। मुझे तो लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। ओ जी आप कैसी बातें कर रही है, कुछ नहीं आता। देखो जी आ गया जी है। हाँ जी जी, मैं चड्डा पहलवान बकला में खुद। हाँ जी मैं जी पाकिस्तानी। आओ ये खट्टा मीठा हाउस, इंटरव्यू लेना है। आओ जी आओ, जम जम आओ, आपका अपना कार है। आओ जी आओ, वेलकम वेलकम है। बाबा किसका फोन था? ओ कुड़ी दा फोन था, इंटरव्यू लेने आ रही है जी। अरे बला इनकी टांग को तो ठीक करके जाओ। आ, ओ,
बीबी टांग किथे भागी जा रही है? वो पहले इंटरव्यू, ये बताओगे जी वॉश बेसन किथे? चटा साहब बाहर है, बाहर है, साबुन भी है। मैं जरा ना मुंह धो लूं, फ्रेश फ्रूश हो जाऊं। कंघा है उठे? हां कंघा भी है, सारी चीजें। आय मेरा टांग है। बच्चू कौन है ये, कहां से आया है? अरे बाबा मुझे क्या पता, इसे तो जानी लाया ना, पूछो इससे। जाने किसी ढंग के बंदे को लेके आना था ना। अरे देखो यार इतनी सेहत है, अभी भी अच्छा नहीं होगा क्या? जबरदस्त लेके आया हूँ मैं पहलवान। तो भी तुमको कोई काम नहीं आता? अरे आता है, मैं देखो तो परफॉर्मेंस उसकी जबरदस्त है। सबको अपना अपना पड़ा है, मेरा टांग। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा शो मत आवाज दे गफारिया को। आप देख रहे हैं मारिया को। आज मेरे साथ मौजूद है चड्डा पहलवान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आइए मिलते हैं। एक मिनट, आप शुरू करें। अरे अरे आप तो हटे, कैमरे में आ रहे हैं। ओ भाई, और तू कितने गुस्सा चला, इंटरव्यू हो रहा है मेरा, घर मेरा, बुलाया मैंने आपको यहाँ पे है, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ ना तो मैंने आपका भी इंटरव्यू नहीं होने देना। वही नहीं होने देना है? है क्या बात है जी, है आप शुरू करें जी, मारिया जी शुरू करें आप इंटरव्यू। तो आइए मिलते हैं चड्डा पहलवान से। आपसे मेरा पहला सवाल, आपका नाम चड्डा कैसे पड़ा? और जी मैं बताता हूँ आपको, असल में इनके अब्बा का लकी स्टार पे चड्डों का ठिया था, ऐसा ही है ना? ना जी ना, झूठ मार रहा है ये। मैं आपको बताता हूँ जी, अब्बा मेरे, मैं बताऊंगा ना जी। असल में ना बात ये कि ज्यादातर पहलवान ना वो चड्डा पहन के कुश्ती लड़ते हैं, तो पहलवानों को ना चड्डा पहलवान कहा जाता है, भाई यही वजह है। सुना है आप टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ लेते हैं? हाँ जी हाँ, सारी हड्डियाँ हम जोड़ देते हैं। आप? अरे लाइन तो इनकी थी लेकिन मैंने बोल दी। आपने क्यों बोली? अरे ये तो सिर्फ हड्डियाँ जोड़ते हैं, लेकिन किसी का टूटा हुआ दिल नहीं जोड़ सकते। आप जोड़ सकते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। किसका जुड़वाना है? मेरा, मेरा दिल टूट गया। आपका? कैसे? ये बहुत लंबी दास्तान है। मैं भी आजकल फारिग हूँ, सुना है आप? कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से दिल करे शुरू करे। ओ पाई, ये अपना लैला मजनू वाला खेल खत्म करो, और इंटरव्यू हो रहा है मेरा भाई। देख रहे हो कि दो लोग प्यार से बात करे, वो देखो देखो मरीज बेचारा बिल बिला रहा है। अंदर जा भाई, अंदर जा, अंदर जाके देख। चल मैंने छोड़ना नहीं है तुम। जा यार अंदर जा। मैं ये कह रहा था कि क्या कह रही थी यार? पापा पापा हौसला करें, ठीक हो जाएगी। अरे पापा सही, मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ अस्पताल चले। अस्पताल कैसे जाएगा जी? पापा भाग के जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? भागते हुए बच्चे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे नहीं पापा, ऐसे जल्दी पहुंच जाएंगे वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। लेकिन भागेगा कैसे जी? अरे पापा जानी एक टांग पर भागेंगे, लोग समझेंगे सेठ साहब लंगड़ी पाला खेल रहे हैं। ओह भाई भाई क्यों चीख रहा है? पार इंटरव्यू चल रहा है भाई। इंटरव्यू को छोड़ने का, टांग का व्यू चेक करने का दे। ओ जी वो ही तो चेक कर रहा हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपको वाकई कुछ भी नहीं आता। ओ भाई खुदा का वास्ता है, खामोश हो जा, क्यों शोर कर रहा है इतना? अरे इनके छोटे भाई की मायू है इसीलिए शोर मचा रहे हैं। मायू? हाँ बाबा, अबे दर्द हो रहा है ना बाबा। अब तो मुझे वाकई यकीन हो गया कि आपको कुछ भी नहीं आता। लो जी आप फिर कह रही है कुछ नहीं आता। ऐ देखे जी, ऐ फिर आ गया जी। हेलो जी, हाँ जी मैं चड्डा पहलवान बकल में खुद, मैं इधर कट्टा बेटा हूँ जी। और फिर इंटरव्यू आए जी, आए जम जम आपका अपना घर है जी। आ जाए आ जाए, आ जी आ जाए, वेलकम वेलकम। इंटरव्यू? अरे फिर इंटरव्यू? ये इंटरव्यू देने आया है या हमारे टांग ठीक करने आया है? अब मैं बहुत मशहूर हूँ जी, है मेरे बड़े इंटरव्यू होते रहते, मैं जिधर फ्रेश फ्रेश हो जाऊँ ना, वो बार कंगा तो है ना। हाँ बाबा सब कुछ है जो आपको चाहिए, जाओ जाओ। मैं वही आया जी। ये इंटरव्यू देने आया या मेरा टांग का हड्डी ठीक करने आओ? पता नहीं किस किस को बुला लेते हैं। बाबा मैं देखता हूँ। बच्चू बच्चू आहिस्ता। अरे कौन है? सबर गुंजे आ गए क्या? अस्सलाम वालेकुम,
अरे भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसका तो पता नहीं लेकिन परेशान बहुत करते हो। अरे ये तो वही लाइन है जो हर बीवी अपने शौहर से कहती है। अरे वो बीवी है ना बाबा, मैं तो बहन हूँ। बहन भी तो किसी की बीवी होती है। और बीवी किसी की बहन होती है। बीवी बीवी की बहन होती है। क्या मतलब? अरे भाई तारीख में भरे पड़े ऐसे वाक्यात। ओए मेरा दिमाग खराब कर दिया, काम बताओ। पूरी लाइन बोलो, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? अरे ये तो एनक वाला जिन में सकुटा बोलता था। तो वो तो सिर्फ बोलता है ना, आप करके दिखाओ। क्या ये बताओ कि थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी? अरे वो तो तुमको हमारा नौकर ही देगा। नौकर? क्यों? क्योंकि सारी ठंडी बातें ना हमारा नौकर ही करता है। आप घर जाओ, हम मैं आपको भिजवा देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप भिजवा दीजिएगा। बड़ी ठीक है, शुक्रिया। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। एक तो वो मोटा सांड हर जगह होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आऊँ, तन्हाई सुकून से हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा तो अब आप मुझे बताइए दिल जोड़ने के अच्छे अच्छे तरीके, जुर्माए बताए ना। अरे बाबा जानी, बाबा ये तुम पहलवान लाया है, मेहमान लाया है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है बाबा, क्या मसला है ये? अच्छा भाई मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ बताओ बाबा बताओ। भगा दिया ना बच्ची को? अरे क्या बच्ची को भगा दिया बाबा, ये स्टूडियो है क्या? बार बार इंटरव्यू, बार बार इंटरव्यू, हर कोई आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए बाबा। एक्सक्यूज मी, ये खट्टा मीठा हाउस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मैं एक न्यूज चैनल की तरफ से आई हूँ, पहलवान का इंटरव्यू करना है। आजा बाबा इधर उठो जल्दी से, और इधर बैठो। हाँ बाबा ऐसे कौन बिठाता है, बैठो भी। बाबा मैं ही पहलवान हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते। आप? अरे बाबा क्या बात कर दी, ये हमारा जानी है नौकर, इसका मुंह पता है क्यों टेढ़ा है? क्यों? बाबा मैंने मुक्का मार के इसका मुंह टेढ़ा कर दिया था। ओहो ये तो फजूल बातें कर रहे हैं, ऐसी हवाएं पिलाते रहते हैं। एक ग्लास पानी मिलेगा? अरे बाबा आपके लिए तो सैलाब आ जाएगा बाबा। जाओ बाबा पानी लेकर आओ। क्या सैलाब लाए आप ऐसे, अभी तो गुस्सा कर रहे थे और अभी एकदम भेज रहे हैं। जाओ। अच्छा मैडम ये बताए आपका तो दिल नहीं टूटा हुआ? नहीं नहीं। पानी लाओ यार जी, अब आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अच्छा चले आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं आपका पहला मुकाबला किस पहलवान से हुआ? अरे मेरा पहला मुकाबला मेरी बीवी से हुआ था बाबा, उसने पहले मुकाबले में बेलन खींच के मार दिया था। आपको लगा? लगा था ना, ये देखो पट्टी उस वक्त से बंधी हुई अभी तक सर पे। ओ जी तो आप हैं। अरे बाबा रुको रुको, एक इंटरव्यू चल रहा है बाबा। ये कौन है? ये मेरे वो शागिर्द है बाबा। ये आवाज कैसी है? अरे बाबा वो शागिर्द, जाओ बाबा देखो मरीज को क्या हुआ है, मैं आ रहा हूँ बस, आप जाओ ना, मैं आता हूँ बाबा, मैं आता हूँ, जाओ। आप पूछे दोबारा, एक काम करते हैं, मोटा फिर इधर आ जाएगा, हम कहीं और चल के बात करते हैं। अच्छा चले ठीक है। ये भी कान तोड़ेगा क्या? सॉरी जी, ओ जी जनाब इंसान हूँ जी, गलती हो गई ना, उसको चेक कर लेते, कोई मसला नहीं है जी। बेटा देखो क्या कर रहे हैं। हाँ जी बुजुर्गो, कैसा फील कर रहे हैं जी अब आप है? ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे टांग में हाथ रखा हुआ है। कोई बात नहीं सेठ साहब, माफ कर दें। पागल हो गई सरीना, ये कोई फकीर थोड़ी है जो माफी मांग रहे हैं, आप अपना काम करें देखें। ओ जी बीबी जी, असल में ना इनके घुटने की हड्डी घूम गई है। अब मेरा दिमाग भी घूम रहा जी, मेरी टांग को सही कर दो वरना ठीक नहीं होने का। आपके पास कोई दूसरी टांग नहीं पड़ी यूज में? हाँ जी एक लकड़ी की टांग पड़ी हुई है। वो मैं तुम्हारे सर पे मारूंगी। वो ना आप तरफ बात को समझने की कोशिश करें जी, एक टांग की वजह बड़ा मसला हो रहा है, काम करते इस टांग को काट देते हैं जी। है क्या बोलता जी, ये मेरा टांग है, कोई धागा नहीं है जो काट दे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपको वाकई कुछ नहीं आता। लो जी फिर आप, हेलो जी फिर आ गया है? फिर आ गया। हेलो जी, हाँ अजीब जी चड्डा पहलवान बकलम है खुद। हाँ इंटरव्यू आप आ रहे? अच्छा काम करे आप ना है जी। हाँ आपने पीटीवी सेंटर देखा है? उसके पीछे वाली गली में आ जाए तो जनाब वो पठान की होटल में बैठ के कोयला चाय भी पियेंगे है। दावत आप देंगे जी, इंटरव्यू आपको करना है ना, मैं क्यों दूं दावत? मैं आया जी आया। अच्छा जी खुदा।
पापा, पापा, पापा हो जाएगा ठीक, नहीं रोए, हो जाएगा ठीक। अच्छा। अरे बाबा, मसला ये है कि मेरी अब अपनी बीवी से बनती नहीं है। बैठिए। सीमा मैडम, ये देखें, ये सेठ साहब का इलाज चल रहा है। बच्चू, ये कौन है? अरे बाबा, ये जो है ना, वो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। क्यों बोला, आपने क्या वर्ल्ड कप जीता है? वर्ल्ड कप के छोड़ने का, ये अब चाय का कप जीतेगा, चाय का कप। आए बाबा, आप जा सकती हैं। लेकिन मेरे सवाल अभी पूरे नहीं हुए। बाबा, मेरे जवाब खत्म हो गए हैं, आप जाओ। चले ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। वैसे एक बात बताएं, कहाँ से आपको ये पहलवान लगते हैं? अगर ये पहलवान होते तो इनकी टांगने चीक कर देते। हाँ ना बाबा। अच्छा, आप अगर पहलवान है तो इनकी टांग जोड़ के दिखाइए। हाँ बाबा, अब तो करनी पड़ेगी ना, इज्जत का सवाल है। ठीक हो गया, मेरा टांग ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। सच पापा? अरे वाह 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 वाह, बच्चू भाई, भाई बेहतरीन तुके के लिए बहुत सारी तालियां। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सोने का पेन, ये तो प्लास्टिक का था। सोने का चम्मच? अरे मैडम, हर चमकने वाली चीज सोना थोड़ी होती है, ये तो गोल्डन चम्मच है बस। मुझे सोने की बहुत अच्छी तरह पहचान है जानी, कई सेट है सोने के मेरे पास, ये सोना ही है। अरे बाबा, तुझे हर घूंट पे ना बार बार तारीफ सुननी होती है बाबा, 10 बार तुझे बता चुका कि अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। बाबा, इंसान कितना झूठ बोले। हमारे घर में कोई सोने का डिनर सेट है क्या? अरे बाबा, सोने के जेवर तो मैंने सुने थे, बाबा सोने का डिनर सेट भी होता है क्या? हाँ बाबा, ये बच्चू का घर है, कोई शेख बच्चू का नहीं। दूध खत्म हो गया, पति तो है। अरे बाबा, क्या हो गया, कभी पति लेने जा रहा है, कभी दूध लेने, सब सही तो है। मैं चीनी लेके आया, आता हूँ मैं। ये बताएं कि ये आजकल अपने सोने का क्या भाव चल रहा है? अपने, तुम्हारे क्या सोने की बलकाने? बाबा, सोने का सिक्का? आम सा सिक्का, मैडम को देने जा रहा था। अच्छा बाबा, मैडम को देने जा रहा था, इसका मतलब है तुम हमारा सिक्का उठा के सोने का भागने लगे थे है? हमारा सोने का सिक्का? अरे बाबा, ये कहीं अंधा तो नहीं होने वाला? क्या मतलब? बाबा, अंधा होने से पहले हर चीज को हाथ लगा के महसूस कर रहा है, ताकि अंधा होने के बाद आसानी रहे बाबा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है, वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।